प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं तो दैट इज नॉट अ गुड गोल इज नॉट अ गुड ऑब्जेक्टिव हम ये कहते हैं हम 20 करना चाहते हैं हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज करके टू मिलियन पे लेके जाना चाहते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल मयरेबल तो ये ऑब्जेक्टिव्स की खास बात हम डिफाइन नहीं करते हैं तो हम इस तरह से करते हैं मयरेबल होना चाहिए दैट इज वन ऑफ दार्ट ऑफ दब्जेक्टिव का एक पार्ट है अच्छा

ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट टू मिलियन फोर मिलियन मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं कितना 40 पे लेके जाना चाहते हैं थर्टी परसेंट पे जाना चाहते हैं एवर उनको मैथमेटिकल टर्म्स में मैयर होना चाहिए तभी वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कहला सकते हैं अचीवेबल एंड रियलिस्टिक जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं उनको उनके रिसोर्स के मुताबिक ही होना चाहिए एक तो इफ वी डिफाइन आवर ऑब्जेक्टिव लाइक बहुत ग्रेटर बहुत लार्जर तो वो अचीवेबल ही नहीं रहते और वो रियलिस्टिक उस वक्त नहीं रहते जब वो हमारे रिसोर्सिस के मुताबिक ना हो मिसाल के तौर पे एक लड़का उठ के आज सॉफ्टवेयर हाउस बनाए और क्या मैं माइक्रोसॉफ्ट से बड़ा बन जाऊंगा इन दिस इज नीदर अचीवेबल नॉर रियलिस्टिक ये पॉसिबल ही नहीं है हाँ अगर इलॉन मस्क ये कहे कि हाँ वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाएगा और वो जो है बहुत बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की तरह बन जाएगी तो दैट इज रियलिस्टिक मोस्ट ऑबली अचीवेबल हो सकता है ये क्योंकि उसके पास ये रिसोर्सेज हैं ही कैन डू दैट तो ये इस तरह से मिसाल के तौर पे अगर कोई आम बंदा उठ के कहता है कि ट्विटर के जैसी कंपनी लॉन्च करेगा और वो बहुत उसमें थर्टी मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ये बहुत ही मुश्किल बात थी लेकिन जब मार्क मार्क्सर ने ये किया और उसने थ्रेड्स के नाम से अपनी ऐप लॉन्च की और अपना सोशल मीडिया जो है ट्विटर की तरह का तो इट इट रियली बिकेम पॉपुलर तो फॉर मार्क जकरबर्ग फॉर फेसबुक ओनर इट वॉज अचीवेबल एंड रियलिस्टिक लेकिन आम बंदे के लिए जो किसके पास रिसोर्सेज भी नहीं है उसके लिए नेदर इट अचीवेबल और रियलिस्टिक फिर जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो टाइम स्पेसिफिक होने चाहिए जो आप कहते हैं मैं प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहता हूँ तो इन हाउ मच टाइम आप कहते हैं ईयर 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 तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी आई वॉन्ट टू इनक्रीज माई मार्केट शेयर बाई फाइव परसेंट इन वन ईयर आई वॉन्ट टू अचीव माई प्रॉफिट ग्रोथ बाई थ्री परसेंट इन नेक्स्ट थ्री ईयर तो ये जो ऑब्जेक्टिव मैंने आखिरी दो इस तरह से बोले दैट आर कॉल्ड दी स्मार्ट द